हेलो बच्चों, आज हम अपने सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ एंड किरचॉफ्स लॉ। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेल और उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स भी लगाए थे, और आज भी वही काम करेंगे। पहले लॉज डिस्कस करने के बाद उस पे बेस्ड जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जनरली हम लोग बोलते हैं, लेकिन इसको इसका पूरा नाम है स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के दो फॉर्म है, स्केलर एंड वेक्टर। तो यहाँ पे हम जो आज पर्टिकुलर पढ़ेंगे वो स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। वो क्या होता है? वी इज इक्वल टू आई आर, सब जानते हैं। मैं स्टेटमेंट बोल देता हूँ, लिखा यहाँ पे नहीं है, वो आपको किसी भी बुक से मिल जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट पे ओम्स लॉ ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि करंट थ्रू अ रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ दैट रजिस्टर प्रोवाइडेड ऑल फिजिकल पैरामीटर्स रिमेन सेम। हिंदी में समझते हैं, सिंपल, एक रजिस्टर के थ्रू या एक वायर के थ्रू जो भी करंट फ्लो करता है वो डिपेंड करता है उसके टर्मिनल्स, मतलब उसके एंड पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है या पोटेंशियल क्या होता है, तो इसकी चर्चा हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, लेकिन आपको सिंपल में बता देता हूँ। पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये कंप्लीट इसका वो नहीं है, मतलब पोटेंशियल की मीनिंग है, लेकिन इसको मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया है। तो पोटेंशियल सिंपल कुछ नहीं, वर्क होता है, और वर्क सिंपल एनर्जी होता है। तो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि आप इसे एनर्जी भी कह सकते हैं। चलिए बात की बात है। ओम्स लॉ क्या कहता है? वी इज इक्वल टू आई आर। वी क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर। आई क्या होता है? करेंट थ्रू द वायर। एंड आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ठीक, अगर कोई रेजिस्टेंस है, एक कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, और रेजिस्टेंस क्या होता है? सिंपल, करंट के फ्लो को वायर जो अपोजिंग फैक्टर अप्लाई करता है उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। और इस रेजिस्टेंस को दूसरे सेंस में कह सकते हैं, ओम्स लॉ में वी इज प्रोपोर्शनल टू आई था, तो उस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए जो मैंने कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस किया उसी का नाम मैंने रेजिस्टेंस रखा है। ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट मीन्स रेजिस्टर इज ओनली कॉन्स्टेंट व्हेन ऑल फिजिकल पैरामीटर्स रिमेन सेम। फिजिकल पैरामीटर मीन्स टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है तो एकदम दिमाग में भर लीजिए। कभी भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस अगर पूछ रहा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस किसी रेजिस्टर के अक्रॉस पूछ रहा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ओम्स लॉ लगाना है, मतलब वी इज इक्वल टू आई आर। मतलब आपको अगर पोटेंशियल रेजिस्टर का निकालना है तो वी इज इक्वल टू आई आर यूज करना है। मतलब दिमाग में ये घुसा लीजिए कि आपको वी इज इक्वल टू आई आर पोटेंशियल के लिए यूज करना है। ठीक, वी क्या होता है? पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टर। आई क्या होता है? करंट थ्रू दैट रेजिस्टर। आपको पूरी दुनिया से मतलब नहीं है, उस रेजिस्टर से कितना करंट पास कर रहा है उस करंट से मुझे मतलब है। तो उस करंट इंटू उसका रेजिस्टेंस अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो वहीं क्या आ जाएगा? पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर। ठीक, यहीं पे ये लिखा हुआ है, अप्लीकेबल फॉर ऑल रजिस्टर फॉर फाइंडिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट रजिस्टर वी इज इक्वल टू आई आर। मतलब वी इज इक्वल टू आई आर, अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो वी इज इक्वल टू आई आर डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। ओम्स लॉ के लिमिटेशंस होते हैं जो कि मैंने अभी जस्ट बोला है, उसी चीज को मैं और अच्छे से बता देता हूँ। लिमिटेशंस क्या है? इट इज ओनली अप्लीकेबल वन ऑल फिजिकल पैरामीटर रिमेन सेम। वही टेम्परेचर, प्रेशर, सारे उसके उसके फिजिकल स्ट्रक्चर अगर सेम है तभी आपका वी इज इक्वल टू आई आर वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगा। आप हर बार अगर टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उससे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है वो डिस्कस बाद में करूंगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस आपका क्या होगा? बढ़ते जाएगा, जिसके कारण आप कभी भी आप होता ना सेम करंट सप्लाई पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस हर बार अलग अलग आएगा, या सेम सप्लाई पोटेंशियल पे आपका करंट अलग अलग आएगा। क्यों? क्योंकि आपका फिजिकल पैरामीटर के साथ रेजिस्टेंस वैरी कर जाता है। तो ओम्स लॉ का पहला लिमिटेशन क्या है? फिजिकल पैरामीटर रिमेन सेम रहना चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है? ओनली यूजफुल फॉर फाइंडिंग द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टर। अगर आपको कोई रेजिस्टर, मान लो कोई आपके पास कोई वायर है, उस वायर के अक्रॉस अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस वी इज इक्वल टू आई आर से निकलेगा, ये वी होगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर। कहने का मतलब जैसे कि ये आपके सामने, मान ली सपोज ये पूरा वायर है, अब मैंने कहा इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस सपोज आर है। ठीक, अब मैंने कहा कि इस पूरे के क्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो आप डायरेक्ट वी इज इक्वल टू आई आर लगा देंगे। कैसे लगाएंगे? क्योंकि आपको इसके क्रॉस पोटेंशियल पता है, इसका पोटेंशियल पता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का पता है। ठीक, और पोटेंशियल डिफरेंस पता है और रेजिस्टेंस अगर टोटल पता है तो आई करंट इसके क्रॉस निकल जाएगा।
इसी चीज़ को मैं उल्टा कह देता हूँ, आपको अगर आपको क्या पता है करंट पता है और रेजिस्टेंस पता है तो पोटेंशियल निकल जाएगा। अब वही चीज़ अगर मैं बोलूँ कि इस एलिमेंट का निकालिए, एक छोटे से टुकड़े का निकालिए, इस पूरे वायर का नहीं, आप इस छोटे से टुकड़े का निकालिए, तो इस छोटे से टुकड़े के लिए आपका ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा। क्यों नहीं वैलिड रहेगा? क्योंकि आपके पास रेजिस्टेंस इस पूरे वायर का आपको पता है, इस छोटे से वायर का पता नहीं है। इसलिए कहा जाता है ओम्स लॉ टोटल रेजिस्टेंस के लिए वैलिड होता है, पार्शियल मतलब पार्शियल एलिमेंटल लेंथ के वायर के लिए वैलिड नहीं होता। उसके लिए आपको मतलब वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ यूज़ करना पड़ेगा। तो यहीं पे लिखा है वही नॉट यूजफुल फॉर फाइंडिंग पार्शियल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टर। मतलब आपको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पार्शियल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए मतलब एक छोटे से एलिमेंट के अक्रॉस तो यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? उसके लिए वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ होता है। इतना क्लियर है? ओके ठीक है, अब डिस्कस करते हैं इसके बाद किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ में हमें बेसिकली दो लॉज पढ़ने हैं, एक जंक्शन रूल एंड लूप रूल। जंक्शन रूल यहाँ पे फर्स्ट आपके सामने है, मैं बता देता हूँ जंक्शन रूल है क्या। ये बोलता है द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस और करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो। इसको और अच्छे से बोलते हैं, मतलब हिंदी में समझिए। बोला कि किसी भी मतलब मान लीजिए कई सारे जंक्शन से मतलब वायर कई सारे हैं एक जगह कनेक्टेड हैं, तो इस पर्टिकुलर जंक्शन पे जो भी इनफ्लो चार्ज और आउटफ्लो चार्ज होगा, मतलब इनकमिंग चार्जेस और आउटगोइंग चार्जेस या इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट, सबका एल्जेब्रिक सम क्या होगा? सेम मतलब जीरो होगा। सबका एल्जेब्रिक सम क्या होगा? जीरो। इसी चीज को इस फॉर्मूले समझते हैं सिंपल। एल्जेब्रिक सम मीन्स अगर इनकमिंग करंट है उसको मैंने अगर पॉजिटिव बोल दिया तो आउटगोइंग करंट को मैं क्या बोलूंगा? नेगेटिव। तो प्लस और माइनस फाइनली टोटल सम हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। उसी चीज को यहाँ पे ये जो मैंने डायग्राम बनाया इसी में आपको देख लेता हूँ। सपोज आपके सामने ये छह वायर हैं, इस छह वायर में आपको I1, I2, I3, I4, I5, I6 ये छह करंट दिए हुए हैं। इसमें देखिए इनकमिंग करंट कौन कौन सी है। इनकमिंग करंट उसे कहते हैं जो टुवर्ड्स द जंक्शन है, टुवर्ड्स द जंक्शन। I1, I4 एंड I6, ये I1, I4, I6 ये क्या है? ये वो करंट है जो कि टुवर्ड्स जंक्शन आ रहा है, मतलब इसको इनकमिंग करंट बोलेंगे। और आउटगोइंग करंट कौन कौन से? जो अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रहे हैं, मतलब I2, I3 एंड I5। तो सिंपल, आने वाले इक्वल टू जाने वाला, बहुत आसान है। जितना आएगा उतना ही जाएगा ना। तो कितना आ रहा है? I1 आ रहा है, I4 आ रहा है, I6 आ रहा है। तो इसलिए I1 प्लस I4 प्लस I6 मस्ट बी इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I5। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इसी चीज को चार्ज के टर्म में भी कह सकता हूँ, इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज, ठीक है? ओके अब देखिए यहाँ पे क्या है नोट, मैंने लिख दिया सही। दिस रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ऑब्वियस है, जितना चार्ज कंजर्व है जितना आ रहा उतना जाएगा। आपके पास जितना चार्ज उसी में आपको यूटिलाइज करना है ना, तो जितने चार्ज आएंगे उतने ही चार्ज आएंगे। उसी चीज को इसने कह दिया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो याद रखिएगा जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दिस रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सामने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे वो बेसिकली सिर्फ ओम्स लॉ एंड किरचॉफ्स लॉ से ही सॉल्व हो जाएंगे 99% क्वेश्चंस। मेरी बात याद ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको ये लॉज अच्छे से आ गए तो चाहे कुछ भी आपके सामने आए आपको टेंशन नहीं लेना, ये सिर्फ किरचॉफ्स लॉ और ओम्स लॉ से आप सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, ठीक? ओके चलिए सेकंड रूल पे जाते हैं। सेकंड रूल कहता है लूप रूल, सेम ये वही चीज है बस उसको थोड़े दूसरे टर्म में। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ऑल द सर्किट एलिमेंट्स इन अ क्लोज लूप मस्ट इक्वल टू जीरो। क्या बोल रहा है? एक कोई सर्किट है, सर्किट मीन्स सिंपल क्लोज सर्किट है लाइक दिस। मान लीजिए बैटरी है, ये रेजिस्टर है, ये एक और बैटरी है, फिर एक रेजिस्टर है, सपोज एक क्लोज सर्किट है ये। क्लोज सर्किट मीन्स एक पॉइंट से चले और दूसरे पॉइंट पे हम घूम के आ जाएं, इसको बोलते हैं क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट क्या होता है? एक जगह से अगर मैं चलना शुरू करूं तो घूमते घूमते फिर उसी जगह वापस पहुंच जाऊं, ठीक? क्या कह रहा है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द सर्किट एलिमेंट इन अ क्लोज लूप मस्ट इक्वल टू जीरो। मतलब इस बैटरी का जो पोटेंशियल होगा प्लस इस बैटरी का जो पोटेंशियल होगा, इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना होगा? आई आर। इसके अक्रॉस आई आर। अब वो प्लस की माइनस बाद में बात करते हैं। तो बोला है कि इन चारों का सम, मान लो V1, V2, V3, V4, इन सब का जो एल्जेब्रिक सम होगा प्लस माइनस साइन के साथ, वो हमेशा कितना आएगा? जीरो आएगा। यही होता है लूप रूल। इट इज जनरली बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी जस्ट मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस अभी कहा था कि पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल सिंपल वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल एक्चुअल में वर्क होता है और वर्क खुद क्या होता है? एक एनर्जी। तो सिंपल यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने पोटेंशियल का सम इक्वल टू जीरो बोला तो वही ऑब्वियस है, ये जो भी एनर्जी दे रहा है कुछ ये ले रहा है, कुछ ये दे रहा है, कुछ ये ले रहा है, मतलब आपस में ये सब आपस में क्या कर रहा है? आदान प्रदान, एक दूसरे से ले रहे हैं दे रहे हैं एनर्जी, लेकिन यहाँ पे आपस में क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे
इस जगह है, तो इसलिए यहाँ पे इस चीज़ को लूप रूल को बोला जाता है, इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, चलिए साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ बोला साइन कन्वेंशन ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑफ लूप रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा देखिए ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे देखिए इस जगह करंट का डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी है, करंट का डायरेक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए इज एट हायर पोटेंशियल, बी इज एट लोअर पोटेंशियल। मतलब ए से अगर आप बी जाएंगे तो आपका पोटेंशियल डिक्रीज होगा, मतलब माइनस। अगर आप बी से ए जा रहे हो तो आपका पोटेंशियल इंक्रीज होगा, कितना? प्लस। अब कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज, तो आपको अभी जस्ट मैंने कहा रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है आई आर। अब वो प्लस आई आर लिखना है कि माइनस आई आर, वो आपके सामने है। अगर आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आई आर लिखेंगे, करंट के अपोजिट मूव करें मतलब बी टू ए मूव करें तो आप प्लस आई आर लिखेंगे। ये चीज पॉज करके अच्छे से उतार के बार बार घूर के देखिएगा। अगर आप करंट के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो माइनस आई आर लिखेंगे, करंट के अपोजिट मूव करते हैं रेजिस्टर को क्रॉस करते हैं तो आप क्या लिखेंगे प्लस आई आर। ओके, सेम यहाँ पे बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल छोटा वाला निगेटिव टर्मिनल, तो ए इज हायर पोटेंशियल, बी इज एट लोअर पोटेंशियल। तो ए से बी जाएंगे तो आपका पोटेंशियल घटेगा तो माइनस वी, बी टू ए जाएंगे तो आपका पोटेंशियल बढ़ेगा कितना प्लस वी। ऐसे याद रखिए बड़े से छोटे जा रहे हैं, इधर से इधर मूव करो तो मैं बड़े से छोटे जा रहा हूँ इसलिए घट रहा हूँ इसलिए माइनस वी, छोटे से बड़ा मतलब छोटे साइड साइड से बड़े साइड जा रहा हूँ तो मेरा बढ़ रहा हूँ तो क्या होगा प्लस वी। ओके, याद करने का तरीका ठीक है। चलिए तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया ओम्स लॉ, किरचॉफ्स के दोनों रूल, लूप रूल एंड जंक्शन रूल। ठीक, अब इस ये तीनों जो लॉज हैं इन सब का अप्लीकेशन न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे करना है वो अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा मैं बेसिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरा मेन फोकस है आपके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवाने के लिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, और लॉकडाउन के चलते मेरे पास तो बोर्ड है नहीं तो इसलिए कॉपी से ही आप लोग काम चलाइए। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड वी ए माइनस वी डी इफ वी बी इक्वल टू जीरो। मैं क्वेश्चंस के ही फॉर्म में आपको जितने कॉन्सेप्ट होगा वहीं क्लियर करूंगा, आपको वो टेंशन नहीं लेना है। बोल रहा है फाइंड वी ए माइनस वी डी इफ वी बी इक्वल टू जीरो, मतलब पोटेंशियल ऑफ बी दिया हुआ है जीरो, बी का पोटेंशियल कितना दिया हुआ है जीरो। अब बोल रहा है वी ए माइनस वी डी निकाले, तो वी ए माइनस वी डी निकालना बेटर है। आप पहले वी ए निकालिए फिर वी डी निकालिए फिर दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, आपका वी ए माइनस वी डी निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ओम्स लॉ किरचॉफ्स लॉ को लगाना कैसे है, या कोई चीज क्वेश्चन आए तो उसको अप्रोच कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो कोई टेंशन नहीं, ओम्स लॉ के लिए टेंशन ही लेने है, मतलब रेजिस्टर देखते हैं आयर लगा दो, मतलब आपको रेजिस्टर के अक्रॉस करंट पता है उसका रेजिस्टेंस पता है तो मतलब वी इज इक्वल टू आई आर लगाना ही लगाना है। तो ओम्स लॉ के लिए टेंशन नहीं लेना है, टेंशन किसके लिए लेना है लूप सॉरी किरचॉफ्स लॉ के लिए कि कब और क्या कैसे लगाएं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लूप रूल सॉरी लूप रूल या जंक्शन रूल या किरचॉफ्स लॉ जो बोलिए, किरचॉफ्स लॉ को लगाने के लिए यूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप उस ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट को ढूंढिए जिस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में आपको जानकारी हो, जानकारी हो मीन्स उसके बारे में कुछ पता हो, उस पॉइंट का आपको करंट पता हो, पोटेंशियल पता हो, कुछ भी पता हो। ठीक, अगर आपका लूप ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी सर्किट क्लोज है, क्लोज मीन्स पूरा क्लोज पाथ में घूम के आप उसी जगह घूम सकते हैं जैसे मैंने पीछे दिखाया था क्लोज लाइक दिस। अगर आपकी सर्किट क्लोज है तो बहुत आसान है, तब इसकी टेंशन नहीं लेना है। अगर आपकी सर्किट क्लोज नहीं है लाइक दिस, ये ओपन सर्किट है, इसके इधर क्या है इसके इधर क्या है मुझे नहीं पता, मुझे बस ए और डी के बीच में चीजें दिख रही हैं, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में अगर आपको किरचॉफ्स लॉ लगाना है तो सबसे पहला उस पर्टिकुलर पॉइंट को या उस ऐसी चीज को ढूंढते हैं जिसके बारे में आपको पता हो। तो जनरली वो लूप रूल मतलब क्या है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल, मतलब कि लूप रूल लगाने के लिए आपको हमेशा अगर क्लोज सर्किट है तो टेंशन नहीं है, लेकिन अगर ओपन सर्किट है तो उसके लिए आपको हमेशा एक ऐसे पॉइंट को चूज करना है या ढूंढना है जिसके बारे में आपको पता हो, उसके पोटेंशियल के बारे में आपको पता हो। ठीक है, अब देखिए कैसे अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन में दे ही दिया है कि वी बी इक्वल टू जीरो, मतलब कि पोटेंशियल ऑफ बी आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और क्वेश्चन में पूछ कर वी ए माइनस वी डी, मतलब आपके पास एक इनिशियल कहां से शुरू करना है वो तो बी मिल गया क्योंकि इसका पोटेंशियल मुझे पता है, और फाइनल मुझे कहां जाना है तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे ए निकालना और डी निकालना है, पोटेंशियल ऑफ ए निकालना है, पोटेंशियल ऑफ डी निकालना है, बस। अब अप्लाई करते हैं, देखिए कुछ भी वीडियो देखते वक्त भले ही कुछ ना समझ में आए टेंशन वाली बात नहीं है, इतने सारे क्वेश्चन सभी मैं डिस्कस करूंगा कि होता ना कि एक के बाद एक सब क्लियर हो जाएगा, तो ये सबसे सिंपल था। लेकिन अभी मैंने इस क्वेश्चन में एक्चुअल में आपको क्या सिखाया है कि कहाँ से शुरू करते हैं, तो कहाँ से शुरू करते हैं जिस पर्टिकुलर पॉइंट का अगर आपको पोटेंशियल पता है, और अगर पता है तो वहीं से शुरू कर दीजिए, वहां से शुरू करके उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाइए जिस पॉइंट का पोटेंशियल आपको पूछ रहा है, तो अब वहां से इस पर्टिकुलर बी से आप ए तक मूव कर जाइए। उसके लिए आपको क्या करना है, अभी पीछे जो लूप रूल के मैंने क्या कहा था ध्यान से देखिए, मैं अगर बी पॉइंट पे हूं तो मेरा पोटेंशियल वी भी होगा। ठीक,
यहाँ पे करंट का डायरेक्शन इधर है और कितना करंट 1 एम्पियर, यानी कि मैं बी टू ए अगर मुझे मूव करना, जस्ट पीछे डिस्कस था, अगर मैं करंट का अपोजिट मूव करूंगा तो मेरा पोटेंशियल बढ़ेगा कितना, प्लस आई आर। तो करंट का अपोजिट में मूव करूँ तो प्लस, और आई कितना है 1 और आर कितना है 3, मैं कहाँ पहुँच गया ए पे, तो वी ए, तो पोटेंशियल ऑफ वी ए कितना आ जाएगा, वी ए का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, वी बी का पोटेंशियल 0 और प्लस 3, यानी कि 3 वोल्ट, यानी वी ए का पोटेंशियल 3 वोल्ट। उसी तरह मुझे डी का पोटेंशियल चाहिए, कोई बात नहीं, बी से आप डी पे मूव कर जाइए, यहाँ पे आपका पोटेंशियल वी बी, करंट अभी भी ऐसे ऐसे जा रहा है तो इधर से भी वही 1 ओम पास करे, तो करंट के डायरेक्शन में आप मूव करें, क्योंकि करंट का डायरेक्शन भी इधर है और आपका भी मोशन इधर है, तो कितना हो जाएगा -2 × 1, ठीक, फिर चले 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 बीच में बैटरी आ गया, बैटरी आ गया तो छोटे से बढ़ेगा, मतलब अब बढ़ गए कितना, प्लस कितना वोल्ट, 5 वोल्ट, कहाँ पहुँच गए, फाइनल वी डी पे, यहाँ से वी डी का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, वी डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी बी 0 - 2 + 5, यानी कितना आ जाएगा 3 वोल्ट, यानी वी डी का भी पोटेंशियल कितना आ गया 3 वोल्ट, और वी वी ए का पोटेंशियल कितना आ गया 3 वोल्ट। अगर सॉल्व करते मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो कोई बात नहीं, अपने से करेक्ट कर लीजिएगा, तो यहाँ से वी ए माइनस वी डी कितना आ जाएगा 3 - 3, कितना हो गया 0 वोल्ट। ओके, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है। तो बेसिकली मेरा इस क्वेश्चन से मतलब ये था कि होता है ना कि क्वेश्चन में शुरुआत कहाँ से करें, तो शुरुआत कहाँ से करना है, उस पर्टिकुलर पॉइंट से जिसका पोटेंशियल आपको पता हो, और एंड कहाँ पे करना है, जिसको जिसका पोटेंशियल आपको निकालना है, तो सिंपल आपके सामने है, मुझे बी का पोटेंशियल पता था इसलिए मैंने यहाँ से शुरू किया, मुझे ए एंड डी का पोटेंशियल निकालना था इसलिए मैंने एक बार बी से शुरू करके ए पे खत्म किया, फिर बी से शुरू करके डी पे खत्म किया, ठीक। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बोली थी, अगर सर्किट क्लोज है लाइक दिस तो ये क्वेश्चन आसान है, अगर सर्किट ओपन है लाइक दिस क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आसान तो है ही, लेकिन आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना, अलर्ट में मींस उस पर्टिकुलर पॉइंट को चूज करिए जिसका पोटेंशियल आपको पता हो, तो क्वेश्चन में तो डायरेक्ट गिवन रहता है या इनडायरेक्ट वे में आपके सामने दिया रहता है, आपको ढूंढना पड़ता है। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, आपके सामने सर्किट है, फिर से आपकी क्लोज क्लोज लूप नहीं, यहाँ पे क्या ओपन सर्किट है, ये ओपन लूप है, यहाँ पे कोई इसके इधर क्या है, इसके इधर क्या है, मुझे नहीं पता, ठीक। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, ये थोड़ा सा ऐसा ऐसा लाइन है, इसे बोलते हैं ग्राउंडिंग या अर्थिंग, ग्राउंडिंग या अर्थिंग मतलब आपके जो सर्किट का एक टर्मिनल ग्राउंडेड कर दिया गया, मतलब अर्थ से जोड़ दिया गया, अर्थ का पोटेंशियल हम क्या एज्यूम करते हैं 0, ठीक। तो कभी भी ऐसा ग्राउंडिंग अर्थिंग मीन्स जब भी कुछ इस टाइप का दिखे, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल कितना होता है 0, ठीक है, वो अपने से अज्यूम कर लीजिएगा, तो इनडायरेक्ट वे में इस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल कितना दिया हुआ 0, इस पॉइंट का पोटेंशियल 20, इस पॉइंट का पोटेंशियल 5 वोल्ट। अब जरा ध्यान से देखिए आपको क्या बोला, फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, मतलब मान ली इसके क्रॉस इन तीनों रेजिस्टर के क्रॉस आपको करंट चाहिए। अब बहुत आसान है, चाहे कॉमन सेंस लगाते हैं, हायर सबसे हायर पोटेंशियल कौन है 20, उससे कम ये, उससे कम ये, क्योंकि ये 0 है, ठीक। अब हम ये अज्यूम करते हैं कि सबसे लोअर पोटेंशियल ये है, तो मान लीजिए हमेशा करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हायर टू लोअर, हमेशा करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हायर टू लोअर, तो मैं अपने से अज्यूम कर लूँ, यहाँ से मान लो ये करंट I1 है, इधर से करंट गया I2, तो सारा का सारा करंट इधर जाएगा I3, ठीक, इधर से I1 इधर से I2, तो इधर करंट जाएगा I3, आ रहा है तो इधर जाएगा, ऑब्वियस है, ठीक। अब सिंपल आने वाला इक्वल टू जाने वाला, आपको पहला इक्वेशन क्या मिला, I1 + I2 = I3, आने वाला इक्वल टू जाने वाला, ठीक। दूसरा मैंने क्या कहा, लूप रूल लगाने के लिए सबसे बेटर क्या होता है, उन पर्टिकुलर दो पॉइंट के बीच में घूम जाइए या मूव कर जाइए जिनके पर्टिकुलर टर्मिनल के बारे में आपको पता हो, तो यहाँ पे मुझे इसका भी पोटेंशियल पता है, इसका भी पोटेंशियल पता है, तो एक बार मैं यहाँ से यहाँ मूव कर जाऊँ, कर जाता हूँ, देखिए यहाँ का पोटेंशियल कितना है 20 20, फिर करंट के डायरेक्शन में मैं क्रॉस करूँ इसलिए -2I2, फिर चलते 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 मुझे कुछ नहीं मिला, फिर मिला, फिर मिला तो I3, और करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे मूव करके ऐसे आ रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा -2I3, कहाँ पहुँचेगा 0, तो यहाँ से एक इक्वेशन क्या मिला, यहाँ से इक्वेशन क्या मिला, I2 + I3 = 10, सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ आएगा, तो एक इक्वेशन मेरा ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके पास 3 अननोन है, 1 2 3, तो 3 अननोन यानी आपको मिनिमम 3 इक्वेशन चाहिए, तो एक इक्वेशन ये मिला, एक इक्वेशन ये मिला, अब तीसरा इक्वेशन आप चाहे यहाँ से यहाँ मूव करके निकाल सकते हैं, चाहे यहाँ से यहाँ मूव करके निकाल सकते हैं, तो मैं यहाँ से यहाँ मूव कर जाता हूँ, यहाँ से यहाँ 20, मतलब 20 से 5 वोल्ट तक मूव करता हूँ, 20 चला -2I2 + 4I1, क्यों,
इधर से गया, इधर से गया, यहाँ तक तो ठीक है करंट के डायरेक्शन में, और लेकिन इस पर्टिकुलर रजिस्टर के लिए मैं करंट का पोजिट में जा रहा हूँ, तो करंट का पोजिट में तो पोटेंशियल बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, वी इक्वल टू आई आर, तो आई आई इज वन, आई वन एंड रेजिस्टेंस इज 4 ओम, तो इसलिए 4 I1, फाइनल कहाँ पहुँचेगा 5 वोल्ट पे। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद मुझे मिला फोर आई वन माइनस 2 I2 इज इक्वल टू -15 वोल्ट, ठीक है, या जो भी तीसरा इक्वेशन। ठीक, अब आपके पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, और एक इक्वेशन ये है। ये इक्वेशन लिखते वक्त अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो कोई टेंशन नहीं, आप खुद से सही कर लीजिएगा। ठीक, अब एक दो तीन, तीन इक्वेशन तीन है ना, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके, कर लीजिएगा, मैं नहीं करूँगा, आपको खुद से करना है। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका हो सकता है, बहुत आसान है। देखिए, यहाँ पे मैंने क्या लगाया था, यहाँ पे मैंने कुछ जंक्शन रूल भी लगाया कि आई वन आने वाला करंट इक्वल टू जाने वाला करंट, प्लस लूप रूल लगाया कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर गया। इसी चीज़ को मैं दूसरे तरीके से सोच सकता हूँ। देखिए, इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका जो कि इससे ज़्यादा आसान है, ठीक, और ज़्यादा इफेक्टिव भी, तेजी से उससे आंसर आता है, उसको भी डिस्कस करते हैं। देखिए कैसे करते हैं उसे। सेम है ये, क्या बोला है, मेथड टू अदर मेथड है, सेम वही क्वेश्चन है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, मैं अपने से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का कुछ भी पोटेंशियल अज्यूम कर सकता हूँ। मान लीजिए पर्टिकुलर इस पॉइंट को मैंने ए मान लिया, उसका पोटेंशियल मैंने मान लिया वी ए। ठीक, अब देखिए, आपको इसका पता है पोटेंशियल कितना है, कितना है 20 वोल्ट, इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट और इसका पोटेंशियल 0। ठीक, और मैं अपने से अज्यूम कर लिया, मैंने क्या अज्यूम कर लिया कि पोटेंशियल ऑफ वी ए इज मैक्सिमम, मैं कुछ भी अज्यूम कर सकता हूँ, टेंशन वाली बात नहीं है, अपने आप वो प्लस है माइनस के साथ आ जाता है, टेंशन नहीं लेना। आपको फिजिक्स के साथ सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये होती है कि आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं इसमें, और अज्यूम कर लीजिए, अपने अपने आप प्लस या माइनस के साथ आ जाता है। अगर प्लस साइन आ गया मतलब आपका अजम्पशन सही है, माइनस आ गया मतलब डायरेक्शन जस्ट उल्टा है, इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है। तो वी ए को मैंने मान लिया, वी इज एट, वी ए क्या है, एट मैक्सिमम पोटेंशियल। ठीक है, वी ए को मैंने क्या बोला, इट इज एट मैक्सिमम पोटेंशियल, एज्यूम कर लिया मैंने। ठीक, अगर मैंने एज्यूम कर लिया तो कॉमन सी बात है, ये सबसे हायर पोटेंशियल, मतलब हमेशा करंट इसी से हायर टू लोअर जाता है, तो यानी इधर से गया मान लीजिए आई वन, इधर गया मान लीजिए आई टू, इधर गया मान लीजिए आई थ्री। ठीक है, अब इसी जंक्शन से करंट जा रहा है आई वन आई टू आई थ्री, मतलब जा रहे हैं कितना करंट, एक दो तीन, आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है, तो सिंपल जाने वाला करंट कितने हैं, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, और आने वाला करंट 0, कुछ नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, आई वन को मैं लिख सकता हूँ सिंपल, वी इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ तो वैलिड है, वी इक्वल टू आई आर, वी क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर, और यहां से आई को मैं लिख सकता हूँ वी बाई आर, वी क्या होता है, पोटेंशियल अक्रॉस टर्मिनल ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्टर, और आर क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर। तो इस रेजिस्टर के टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सिंपली हायर या लोअर, तो इस चीज को मैं लिख सकता हूँ, आई वन को मैं लिख सकता हूँ वी ए माइनस 20 बाई आर, जैसे V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू V बाई आर लिख सकते हैं। V क्या होता है, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर, R इज द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर। ठीक, तो इस आई वन को मैं लिख सकता हूँ, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए माइनस 20 और इसका रेजिस्टेंस है आर, आर कितना है सॉरी 2 ओम, तो आई वन को मैं लिख सकता हूँ वी ए माइनस 20 बाई 2 ओम, प्लस आई टू को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी ए माइनस 5 बाई 4 ओम, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वी ए माइनस 0 बाई 2 ओम इक्वल टू 0। अब हर जगह वी ए माइनस वी ए माइनस वी ए, क्योंकि सिंपल मैंने बोल दिया वी इज इट एट मैक्सिमम, मैंने इसको हायर सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल पे लिया, तो अब जब हमेशा डिफरेंस क्या लेता है, हायर माइनस लोअर, इसलिए यहाँ पे हर जगह वी ए माइनस 20, वी ए माइनस 5, वी ए माइनस 0, और यहाँ पे आई वन कितना हो जाएगा वी ए माइनस 20 बाई 2, आई टू कितना हो जाएगा वी ए माइनस 5 बाई 4, और आई थ्री कितना हो जाएगा वी ए माइनस 0 बाई 2, वी ए माइनस 0 बाई 2, तो आई थ्री आ जाएगा, सिंपल वी इक्वल टू आई आर। अब इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आता है ये 2VA-40 प्लस VA-5 प्लस 2VA इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से सॉल्व करिए तो आ गया 5VA इक्वल टू 40 और 5, 45 इधर गया तो 45, यानी VA इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 वोल्ट, VA आ गया कितना 9 वोल्ट, तो अपने आप VA की वैल्यू आ गई कितनी 9 वोल्ट। ठीक, अब दिख ही रहा है ये 9 वोल्ट इन दोनों से ज़्यादा लेकिन 20 से कम है, तो कोई बात नहीं, अपने आप डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जो मैंने अभी डायरेक्शन क्या अज्यूम किया था, वी ए से 20 मतलब इधर से इधर, लेकिन वी ए क्या है 9 वोल्ट आ गया ना, यानी कि अब इस आई वन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड आई वन का वही रहेगा, मान लीजिए 2 3 जो भी हो, लेकिन बस डायरेक्शन जो मैंने इधर अज्यूम किया हो क्या हो जाएगा, अब इधर अज्यूम हो जाएगा।
ठीक। अब टेंशन वाली बात नहीं, मैंने आई वन का डायरेक्शन कितना अज्यूम किया था, इधर अज्यूम किया ना डायरेक्शन इधर, और इसका मैग्नीट्यूड मैंने कितना बोला, आई वन को मैंने बोला क्या था, वी ए माइनस 20/2, तो वी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी ए की वैल्यू 9 - 20/2, यानी कितना आ रहा है, ये आ गया -11/2। अब देखिए मैंने जस्ट बोला था ना, अगर आपने कुछ भी अज्यूम कर लो अपने आप ही विद साइन आ जाएगा, तो यहाँ पे करंट -11/2 आया, -11 मतलब आपने जो डायरेक्शन अज्यूम किया उसका उल्टा है, ठीक। और उसी तरह आप इन दोनों में पुट करके I2 I3 भी निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर है, ये मेथड बिल्कुल क्लियर है, ओके। अब अकेले ही पढ़ा रहा हूँ तो आपसे बार बार क्वेश्चन पूछूंगा, मैं खुद ही पूछ के फिर ओके मैं ही बोलूंगा, इसलिए कोई बात नहीं, ठीक है ना, ओके। आई होप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा इससे और हाइयर वर्जन, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस ये थोड़ा थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है। सेम कभी भी ओपन सर्किट आपको ऐसे दिख जाए, तो आपको समझ लिए कि अभी जो मैंने बताया ना I1 + I2 + I3 वाला फॉर्मूला ही अप्लाई कर देना, बहुत आसान होता है ये। अब देखिए कैसे होता है, यही सेम वही इसी टाइप का क्वेश्चन है। इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया और वी ए को मान लिया क्या है, ये मैक्सिमम पोटेंशियल है, इसको मैंने मैक्सिमम पोटेंशियल पे एज्यूम कर लिया, ठीक। अब जरा देखिए, यानी कि इधर से करंट इधर I1 जाएगा, इधर I2 जाएगा और इधर I3 जाएगा, कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। अब जरा देखिए, अब मुझे सिंपल यानी कि यहां से मैं लिख सकता हूं I1 + I2 + I3 = 0, क्योंकि यहां इस जंक्शन से करंट निकल रहा है, कुछ आ नहीं रहा है, इसलिए आने जाने वाला कितना I1 I2 I3, लेकिन आने वाला 0, इसलिए I1 + I2 + I3 = 0, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब I1 की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ इन द टर्म्स ऑफ वी ए एंड 20 लिखना है, मतलब जो भी है। अब कैसे लिखेंगे जरा देखिए, वी ए से मैं 20 मूव कर रहा हूँ, पहले मैं वी ए पे था, वी ए से फिर चला चला चला, अच्छा छोटे से बड़े जा रहे हैं, यानी +10, फिर चला चला चला, अच्छा करंट का डायरेक्शन क्योंकि I1 को मैंने इधर रेज्यूम किया, इसलिए -2 I1 कहाँ पहुँच गया, 20। तो यहाँ से I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I1 की वैल्यू यहाँ से आएगी, I1 की वैल्यू आ जाएगी VA - 10/2, ठीक। इस तरह इसके लिए कितना आएगा, I2 के लिए, I2 के लिए क्या हो जाएगा, VA - 1 I2 - 5 = 0। यहाँ से चला करंट के डायरेक्शन में ही मैं मूव करूँ, इसलिए -IR, फिर बड़े से छोटे पे जा रहा हूँ तो बड़े से छोटा इसलिए घट गया, इसलिए -5 वोल्ट, कहाँ पहुँच गए, अर्थ पे मतलब 0, ठीक। तो यहाँ से I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से I2 की वैल्यू आ जाएगी VA - 5/1, ठीक है। उसी तरह यहाँ के लिए I3 क्या हो जाएगा, I3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई बैटरी है नहीं इसलिए I3 क्या हो जाएगा, VA - 10 पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस 3, ठीक। अब इस चीज़ को यहाँ पे पुट कर दिए, I1 कितना हो जाएगा, VA - 10/2 + I2 कितना हो जाएगा, VA - 5/1 + I3 कितना हो जाएगा, VA - 10/3 = 0, ठीक। इस चीज़ को सॉल्व करिएगा, वी ए की वैल्यू निकल जाएगी, और वी ए की वैल्यू जब निकल गई तो उस वी ए की वैल्यू को आप यहाँ यहाँ और यहाँ पुट कर देंगे, तो I1 I2 I3 निकल जाएगा, ओके। बहुत आसान है, खुद से मेहनत करिएगा, मैं नहीं बताऊँगा, कैलकुलेशन के लिए टाइम नहीं है। और आंसर आ जाएगा तो कमेंट में ज़रूर वो लिख दीजिएगा, मैं देख लूँगा, चेक कर लूँगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अच्छा फाइंड VA - VB, मतलब पोटेंशियल, ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी मां पूछ रहा है। फिर से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बूस्टर चीज़ें, मतलब कॉन्सेप्ट बूस्ट कर देता हूँ। कभी भी क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस लाइक दिस पूछे तो ये क्वेश्चन समझ लीजिए थोड़ा सा आसान है, लेकिन अगर पर्टिकुलर जैसे VA या VB पूछता तब थोड़ा आपको अलर्ट हो जाना है। अगर पर्टिकुलर किसी पॉइंट का पोटेंशियल पूछा है तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर पूछता तो समझ लीजिए बहुत आसान है, ठीक। और ट्रिकी में भी कुछ ट्रिकी नहीं है, आपको किसी पर्टिकुलर कुछ ऐसा डाटा दिया ही होगा जिससे आपको एक पर्टिकुलर किसी पॉइंट का पोटेंशियल पता ही होगा, तब उस देखिए हमेशा किसी चीज़ को कंपेयर करने के लिए रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। तो अगर VA सिर्फ VA या VB पूछता तो यानी कि यहाँ पे जरूर इसे कुछ एक ऐसा पॉइंट देना होता जिसका पोटेंशियल मुझे पता हो, तभी उसके रिस्पेक्ट में मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट के पोटेंशियल को बता सकता हूँ कि हाँ उससे बड़ा है कि कम है कि जो भी है, ठीक। मैंने जो अभी कहा जिन बच्चों को समझ में आया ठीक, जिनको नहीं समझ में और अच्छी बात है, क्यों दिमाग खराब करना है, ध्यान से देखो। इसमें मुझे VA - VB चाहिए। अब देखिए जरा, ये 2 एम्पियर करंट यहां से ऐसे जा रहा है, जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा यहां तक पहुंचा 2 एम्पियर, ठीक। अब इस 2 एम्पियर के पास दो पाथ है, किधर जा सकता है किधर जा सकता है,
ठीक, तो मुझे नहीं पता कितना इधर जाएगा कितना इधर जाएगा, लेकिन कुछ इधर देखते हैं। यहाँ 1 एम्पियर इधर जा रहा है, यहाँ 3 एम्पियर इधर जा रहा है, इस जंक्शन से एक 1 इधर जा रहा है इधर, यानी कि दो जगह से जा रहा है, मतलब इधर से कहीं से तो आ ही रहा होगा। तो ये इधर जा रहा है 1, इधर जा रहा है 3, तो 1 + 3 जा रहा है, नहीं आएगा कितना, 4 एम्पियर आएगा। अब जरा देखिए, यहां से आ रहा है 2 एम्पियर और यहां जा रहा है 4 एम्पियर, आ रहा है 2 जा रहा है 4, मतलब इधर से जरूर आ रहा होगा, कितना, 2 एम्पियर। अभी तो 2 + 2 = 4 होगा, समझा? हाँ ठीक, मैं खुद ही अकेले को पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं खुद ही पूछूंगा, समझा? और 2 सेकंड बाद मैं बोल दूंगा ठीक, ओके। तो मेरी बात समझ गए ना, ये 1 एम्पियर था, ये 3 एम्पियर, तो जा रहा तो आएगा कितना, 4 एम्पियर। अब इधर से आ रहा है 2 एम्पियर और इधर जा रहा है 4 एम्पियर, मतलब करंट पहले कम था और बढ़ गया, मतलब कहीं और से भी करंट आ रहा, तो इधर से करंट कितना आ रहा होगा, 2 एम्पियर। बस अब करंट मिल गया तो सब कुछ मिल गया। यहाँ से VA से VB मूव कर जाइए, तो VA से VB मूव करने पर क्या हो जाएगा, VA करंट का डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो माइनस 4 × 2, छोटे से बड़े गए ऐसे चले चले चले, कितना हो जाएगा, +3। फिर चले चले करंट के डायरेक्शन में -2 × 2, फिर चले चले चले, अच्छा करंट का अपोजिट में मूव कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, +2 × 1, कहाँ पहुँच गए, VB पे। तो यहाँ से VA - VB आ जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा, 8 - 3 - 4 - सॉरी +4 - 2, सेवन वोल्ट। ठीक है, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो मैं बार बार कह रहा हूँ, खुद से चेक कर लीजिएगा, मेरे पे भरोसा मत करें, मेरा कैलकुलेशन बहुत खराब है। ठीक है, तो VA - VB आ गया यहाँ पे 7 वोल्ट। इसमें कोई डाउट क्वेश्चन में? ओ सॉरी, मैं तो अकेले पढ़ा रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, अभी मैं आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, अब इस क्वेश्चन में बोलते हैं फाइंड VA। अभी जस्ट मैंने अभी पीछे क्या बोला था, VA - VB मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा तो बहुत आसान है, लेकिन अगर पोटेंशियल दे दे VA तो आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना है। अलर्ट क्या हो जाना है, कभी भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट का एग्जैक्ट पोटेंशियल बताने के लिए मुझे जरूर कोई एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, वो रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे आपके सामने साफ साफ दिख रहा है ये अर्थ किया हुआ है, तो अर्थ मतलब इसका पोटेंशियल 0, और इसी से डायरेक्ट वायर कनेक्ट है, यानी पोटेंशियल ऑफ VB क्या हो जाएगा, 0, यानी पोटेंशियल ऑफ V कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 0, ये गिवन है, ये मुझे बस देखना था। ठीक, अब सिंपल पोटेंशियल ऑफ V ये मुझे पता चल जाएगा। अब इस जो अर्थ का था इसका इतना ही यूज था कि मुझे B का पोटेंशियल पता चले, बाकी कोई यूज नहीं है। अब देखिए, मान ली सपोज इससे करंट निकला I, VA पूछ रहा है ना, तो देखो कभी भी आपको क्वेश्चन मिले तो सबसे पहला काम होता है करंट निकालना, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, आपको होता ना क्वेश्चन में समझ में नहीं आएगी क्या करना है, तो क्या नहीं करना है, तो सिंपल ओम्स लॉ भी लगाने के लिए, किरचॉफ्स लगाने के, हर जगह IR तो आता ही है ना, मतलब आपको करंट चाहिए ही चाहिए, मतलब आपका फाइनल एम किस पे फोकस होना चाहिए, करंट निकालने के लिए। ठीक, इसलिए मैंने यहाँ पे फोकस I मतलब करंट को बोल दिया, मान लो सपोज I है। ठीक, अब ये करंट यहाँ से आई गया इधर भी आई गया आई गया। ठीक, अब सेल की मैंने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी लेक्चर 1 में, कि जितना करंट देगा उतना करंट लेगा, तो कितना करंट दे रहा आई, तो लेगा भी कितना आई, तो यहां से भी होगा आई, यहां से भी होगा आई, यहां भी क्या होगा आई। अब जो भी देखो, यहां से करंट आई जा रहा है, लेकिन इसके पास 2 पाथ है, किधर एक इधर, लेकिन इसकी मजबूरी है कि जितना करंट दे रहा है सेल उसको उतना ही करंट चाहिए, तो ये इधर जाने के बजाय पूरा का पूरा करंट इधर वापस चला जाएगा। ओके, आप बोलेंगे सर ये तो अर्थ था, तो करंट पूरा इधर नहीं भाग जाएगा, अभी जस्ट मैंने क्या बोला, सेल की प्रॉपर्टी क्या होती है, जितना करंट देगा उतना करंट लेगा, इसलिए मजबूरी होगी कि करंट तो यहां तक जाना चाहेगा इधर, लेकिन मजबूरी ही नहीं जा पाएगा इसको, क्योंकि सेल को पूरा फुलफिल करना है, तो इसलिए पूरा का पूरा करंट इधर डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका कोई यूज नहीं रह गया। अब देखिए, जब यूज नहीं रह गया, और देखिए 5, 7, 10, 3, ये तीनों, ये चारों आपस में किसमें, सीरीज में, क्यों सीरीज में, सीरीज की प्रॉपर्टी क्या होती है, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम, तो ये हर जगह आई आई आई, यानी कि चारों के चारों किस में, सीरीज में, तो इस चीज को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एक सिंगल रेजिस्टर से, जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट, R1 + R2 + R3 एंड सो ऑन, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट, 5, 7, 12, 12, 10, 22, 3, 25 ओम, यानी इस पूरे मल्टीपल रजिस्टर को मैं एक सिंगल रजिस्टर 25 ओम से रिप्लेस कर सकता हूँ, ये हो गया 50 वोल्ट, यानी आपका करंट हो जाएगा V = IR, यानी I = V/R, तो I कितना हो जाएगा 50/25, यानी कि 2 एम्पीयर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तो करंट मुझे मिल गया 2 एम्पीयर। अब मुझे क्या चाहिए, पोटेंशियल ऑफ ए, तो सिंपल मैंने क्या कहा था, अगर आपको पोटेंशियल किसी का चाहिए तो हमेशा रेफरेंस पॉइंट से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मूव कर जाइए, तो पोटेंशियल ऑफ बी कितना है, 0। अब करंट के मैं अपोजिट में जा रहा हूँ, तो अपोजिट में हमेशा प्लस, और आई कितना है 2, 7 + 2 × 5, कहाँ पहुँच गया, VA पे, तो VA का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, VA का पोटेंशियल 7 × 2 = 14, यानी 24 वोल्ट। क्लियर, क्लियर है, ओके, बहुत आसान था, धीरे धीरे थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं हो गया? ओ मुझे तो 15 मिनट का बना था, कोई बात नहीं, 1 घंटा का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या बोला, फाइंड द करंट सप्लाई बाई द बैटरी, फाइंड द करंट सप्लाई बाई द बैटरी। देखो कभी भी आपके सामने कोई सर्किट दिखे जिसमें मल्टीपल बैटरी हो, जिसमें मल्टीपल बैटरी हो, या तो क्वेश्चन वो बहुत ही आसान होता है या तो क्वेश्चन बहुत ही कठिन होता है, नॉर्मल कुछ नहीं होता। ठीक, यहाँ पे आपके सामने कभी भी सिंगल बैटरी अगर दिखे, सिंगल सेल अगर सर्किट दिखे तो समझे क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक, अब क्या बोला, फाइंड द करंट सप्लाई बाय द बैटरी। तो करंट सप्लाई बाय द बैटरी मान लो आई, अब आई इधर से इधर, तो मान लो कुछ इधर गया आई वन और कुछ इधर गया आई टू। अब ये आई वन इधर से घूम के चाहे जहां से भी आया, फाइनली इधर से कुछ भी करेगा, खिचड़ी पकाते हुए इधर आई वन ही आएगा, और इधर कुछ भी करेगा इधर से आएगा आई टू, और फाइनली आई वन आई टू मिलकर फिर से इसको आई ही मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे टेंशन नहीं, मुझे टेंशन है इसके लिए। अब देखिए यहाँ पे एक सिंगल पाथ है, तो आई टू पूरा एज इट इज घूमते हुए यहाँ तक पहुंच जाएगा। ये आई वन जो जाएगा, आई वन आगे जाने के बाद इसके पास दो पाथ मिलेगा, इधर एक इधर। अब ये आई वन किस पाथ को चूज करता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब बोलूंगा मैं, कि कभी भी आपके सामने मल्टीपल पाथ हो और उन पाथ में एक ऐसा पाथ हो जो कि प्लेन वायर हो, प्लेन वायर मतलब जीरो रेजिस्टेंस लाइक दिस, तो हमेशा करंट उस प्लेन वायर से गुजर जाएगी, पूरी की पूरी करंट, मतलब थोड़ी सी भी इधर नहीं जाएगी, पूरी की पूरी आई वन इधर ही से गुजर जाएगी और फिर वो जाते जाते इधर से, मतलब अगर मैं पूछूँ करंट थ्रू 5 ओम तो जीरो बोलोगे। क्यों? क्योंकि इसके साथ क्या है, एक प्लेन वायर। तो करंट के पास अगर ऑप्शन है एक प्लेन वायर और एक रेजिस्टर से क्रॉस करने का, तो हमेशा किसको चूज करेगा, प्लेन वायर को। ठीक, ऑब्वियस आपके सामने पिच रोड है और एक खराब रोड है, तो आप पिच ही मतलब एकदम प्लेन रोड पे ही अपनी बाइक चलाना पसंद करेंगे। अब जैसे कि अब बच्चा गलती क्या करता है, जैसे मान लो सपोज यहाँ पे 5 ओम रहता है, यहाँ पे 10 ओम रहता है, ये सपोज इस बार का रेजिस्टेंस सपोज 10 ओम रहता है, एज्यूम कर लीजिए, तो बच्चा क्या करता है, अच्छा अच्छा कम रेजिस्टेंस है, पूरा का पूरा करंट उससे चला जाएगा, तो ये गलत है। अगर आपके पास मल्टीपल वायर हैं, जंक्शन पे मल्टीपल वायर हैं, सबका रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो करंट सब में से कुछ ना कुछ जाएगा। क्यों? क्योंकि भले ही रेजिस्टेंस कुछ कुछ तो है, अब जैसे सपोज यहाँ 10 ओम है या 5 ओम है, तो ये इसका डबल है, यानी करंट इसमें ज्यादा होगा, इसमें कम हुआ, तब इसमें करंट अगर आई है तो इसमें करंट 2 आई हो जाएगा। मैं बताना चाह रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि सपोज इस वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम होता होता तो ऑब्वियस है इस रेजिस्टर का ये क्या है, डबल, यानी करंट अगर इसमें आई होता तो इसमें करंट इसका डबल होता, मतलब सिंपल, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट। तो यहाँ पे अगर 5 ओम 10 ओम का हाफ है, यानी 5 ओम में करंट 10 ओम का क्या होगा, डबल होगा। ये कब मैंने कहा है, अगर आपके सामने मल्टीपल पाथ हो और सब में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हो, तो करंट सबसे कुछ ना कुछ जाएगी, लेकिन आपके पास कोई स्पेशल केस ऐसा दिखे जिसमें एक प्लेन वायर हो एक रेजिस्टर हो, तो हमेशा करंट किससे मूव करेगी, एक प्लेन वायर से, पूरी की पूरी करंट उस प्लेन वायर से मूव कर जाएगी। ठीक, प्लेन वायर का रेजिस्टेंस कितना होता है, जीरो, यानी कि अगर मैं बोलूँ इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, किसी भी पॉइंट का अगर मैं पोटेंशियल बोलूँ, तो हमेशा वो क्या होगा, सेम होगा। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने बोला सपोज एक्स, तो इस पॉइंट की पोटेंशियल एक्स ही होगा। ठीक है, प्लेन वायर की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि प्लेन वायर को मैं बोलता हूँ कि जीरो रेजिस्टेंस, और जीरो रेजिस्टेंस मतलब वी इक्वल टू आई आर, मतलब आर टू जीरो, यानी वी इक्वल टू जीरो, यानी कि किसी भी पॉइंट के में वी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस हर पॉइंट पे जीरो आ रहा है, इसका मतलब हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। ठीक है, अब ऐसे भी कह सकते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर एक्स है और इस पॉइंट का भी पोटेंशियल एक्स है, यानी कि इस रेजिस्टर के दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल सेम है, एक्स और एक्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो करंट मतलब फ्लो ही नहीं करेगा इससे, इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं। तो चलिए कुल मिला के ये आई वन करंट पूरा का पूरा इसी से पास कर जाएगा। ठीक, अब बोला फाइंड द करंट सप्लाई बाय द बैटरी, तो कोई दिक्कत नहीं, हो तो क्या, इस चीज को मैं ऐसे रिप्लेस कर सकता हूं, इससे देखिए मेरे सर्किट में अगर कोई एक ऐसा कोई भी रेजिस्टर जिससे करंट पास ना करे, उस सर्किट में से उस रेजिस्टर को मैं एलिमिनेट कर सकता हूं, इसलिए मैंने इसको निकाल के फेंक दिया। ये हो गया 10 ओम, और ये हो गया 20 ओम, और ये आपका क्या हो गया, 10 वोल्ट। अभी आई है इधर, क्या है आई वन, और ये क्या है आई टू। अब जरा देखिए, मतलब ए पॉइंट है, मैं यहीं से चलूं ऐसे चला इस लूप के लिए, वी ए चला 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 छोटे से बड़े तो +10। ठीक, फिर चला 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 करंट के डायरेक्शन में घटेगा, तो -20 आई टू, फिर कहाँ पहुंच गया, वी ए पे पहुंच गया, चलते चलते फिर ये पे हो, तो वी ए से वी ए कट गया, तो यहाँ से आई टू कितना आ जाएगा, आई टू आ जाएगा 1/2 एम्पियर। उसी तरह आई वन कैसे आएगा, यहाँ से मैं ऐसे मूव कर जाता हूँ, तो वी ए, अब मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, इस तरह से मूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं करंट का अपोजिट में जा रहा हूँ, तो वी ए करंट का अपोजिट में तो बढ़ूंगा, +I1 × 10, और बड़े से छोटे पे जा रहा हूँ इसलिए -10
10, फिर कहाँ पहुँच गया VA, तो कट गया ये, तो यहाँ से I1 आ गया 1 एम्पियर, ठीक। यानी नेट करंट सप्लाई बाय बैटरी कितना आ जाएगा ये, यानी कि 1.5 एम्पियर, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टर। अब देखिए फाइंड द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टर, मान ली करंट थ्रू, मैंने 5 ओम रेजिस्टर मान ली, इसको आई मान लिया है। अब इस सर्किट में क्या करना है, अब देखिए आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे लूप हैं, कितने टोटल लूप हैं यहाँ पे, 3 लूप हैं, एक ये छोटा सा लूप, एक ये छोटा सा लूप और एक ये बड़ा सा लूप, ठीक। ओके लूप रूल लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा उस लूप को यूज करें जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हों। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, लूप रूल यूज करते वक्त हमेशा उस लूप को यूज करिए जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्टर हो। ओके ठीक, मिनिमम नंबर ऑफ रेजिस्टर। अब जरा ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, पहले फाइंड द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टर, यानी 5 ओम के थ्रू मुझे जितना करंट पास कर रहा है वो मुझे निकालना है, यानी कि मुझे एक्चुअल में कंसंट्रेट किस पे करना, 5 ओम। तो अगर मैं ये वाला लूप चूज करता, ये वाला, तो इसमें तो 5 ओम कहीं है ही नहीं, मतलब ये लूप मैं चूज कर ही नहीं सकता, यानी कि मुझे कौन सा लूप चूज करना है, ये वाला छोटा वाला या ये पूरा बड़ा वाला, ठीक। अब मैंने क्या कहा था, लूप हमेशा वैसा चूज करें जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हो, मतलब अगर मैं बड़ा वाला लूप चूज करूं, मतलब यहां से चला फिर से मैं यहीं पे आऊं, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इस बड़े लूप में 2 रेजिस्टर हो जाएंगे, तो मेरे लिए काम का नहीं है, काम का है लेकिन इससे ज्यादा इफेक्टिव अगर मेरे पास एक ऐसा लूप है जिसमें इससे कम रेजिस्टर हो, तो ये दिख रहा है ना, तो मैं किस लूप को चूज करूंगा, इस लूप को। ओके ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, इसका मान ले पोटेंशियल ए है, ये कुछ दिया हुआ था, इसका कोई यूज नहीं है, आपको लग रहा है यूज नहीं, लेकिन इसका भी यूज है, इस चीज को मैं 2 तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। देखिए जरा ध्यान से, इस पॉइंट को मैं ए मिला तो इसका पोटेंशियल वी है, ठीक। अब मैंने करंट का डायरेक्शन ए अज्यूम किया, तो मैंने ऐसे इधर से ऐसे मूव, मैं ऐसे मूव करने जा रहा हूँ ऐसे, ठीक है। वी ए चले चले से करंट के डायरेक्शन है, तो -5 I, फिर चले चले छोटे से बड़े पे तो +8, फिर चला फिर बड़े से छोटे तो -6, फिर कहाँ पहुँच गया, वी ए पे, तो वी ए वी ए कट गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू आ जाएगा 2 - 2 5, यानी 0.4 एम्पियर, ठीक यहाँ से आ गया। अब इस चीज़ को मैं दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिए, इसका पोटेंशियल जीरो है, क्यों, क्योंकि अर्थ है। अब यहां से मैं चला 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 ये छोटे से बड़े पे, तो मेरा पोटेंशियल बढ़ेगा कितना, +4, यानी कि इस पर्टिकुलर ए पॉइंट का मुझे पोटेंशियल पता चलेगा कितना, 4 वोल्ट, +4 वोल्ट, क्योंकि मैं यहां से मूव करके जा सकता हूं, ठीक। अब ए का पॉइंट पोटेंशियल 4 वोल्ट, अब देखिए 4 से चले 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 छोटे से बड़े, मतलब 6 वोल्ट और बढ़ गया, तो यहां पे मेरा पोटेंशियल कितना हो गया, +10 वोल्ट, ठीक, क्योंकि छोटे से बड़े पोटेंशियल बढ़ते हैं, 4 से फिर 6 और बढ़ गया तो कितना हो गया 10, फिर 10 के बाद जब मैं यहाँ गया तो पोटेंशियल इसको मैंने क्रॉस किया, तो सिंपल यहाँ पे पोटेंशियल में डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, 8 वोल्ट, मतलब यहाँ पे कितना बचेगा, 2 वोल्ट, 8 वोल्ट घट गया, मतलब 10 वोल्ट से 8 वोल्ट माइनस करेंगे तो 2 वोल्ट बचेगा, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। अब जरा देखिए, यहाँ का पोटेंशियल 4, यहाँ का पोटेंशियल 2, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 4 - 2 2, यानी यहाँ पे आई कितना हो जाएगा, 2/5, यानी कि अभी 0.4 ही आया, मेरे पास समझ गए, बहुत आसान था, मैंने इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लिया, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाला, दोनों का डिफरेंस निकाला तो 2 आया, और 2 बाई रेजिस्टेंस आर कर दिया तो 0.4, दोनों से सेम आंसर आया, ठीक। तो आप चाहें तो पूरा ऐसे जाके ऐसे घूम सकते थे, या एक बार लूप में घूम जाओ, एक ही क्वेश्चन को करने के बहुत हजार तरीके हैं, आप जिसको आपका दिमाग उस समय क्लिक कर जाए, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल है। क्या बोला, बाप रे, फाइंड द करंट थ्रू रेजिस्टर कैपिटल आर, गिवन गिवन दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर, मतलब कि सारे रेजिस्टर का रेजिस्टेंस दिया 4 ओम और जितने भी बैटरी उनका ईएमएफ दिया हुआ है 4 वोल्ट, ठीक है, मतलब आपको इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट पूछ रहा है आई कितना होगा, ठीक। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके सामने कभी भी कुछ इस टाइप का फ्यूचर में सर्किट आए तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ऐसे क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं। एक सर्किट जितनी ज्यादा भरी हुई कॉम्प्लिकेटेड आपको दिखे, मतलब डरावनी, समझिए वो क्वेश्चन सबसे आसान, ठीक। और दूसरा चीज मैंने क्या बोला, हमेशा लूप रूल लगाते वक्त उस पाथ को चूज करिए, उस लूप को चूज करिए जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हों, जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हों, ठीक। अब ये क्वेश्चन तो मैंने ही बनाया इसलिए मुझे पता है पाथ क्या है, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको खोजना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट दिखा देता हूँ। सपोज मैंने इस पॉइंट को ए ले लिया, मैं यहाँ से इधर भी जा सकता था रजिस्टर, यहाँ भी रजिस्टर, यहाँ भी रजिस्टर, इधर भी रजिस्टर, सब रजिस्टर, लेकिन एक ये पाथ मुझे दिखा जिसमें कोई रजिस्टर नहीं, तो मैं ऐसे 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 मूव किया,
फिर इधर जाता तो कोई फायदा नहीं क्योंकि इधर फिर रजिस्टर मिलेगा। फिर मैं मूव करते 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 देखा, अरे अरे ये एक नहीं रजिस्टर। फिर यहाँ से मूव किया, फिर देखा, अरे ये चला 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 ऐसे 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 ऐसे, ठीक। फिर मैं यहाँ पे आ गया, ये क्वेश्चन मैंने ही बना इसलिए मुझे रास्ता तुरंत दिख गया, आपको थोड़ा सा आँख खोल के देखना पड़ता। आपने देखा, ये देखने में बस डरावना, लेकिन मैंने एक ऐसा पाथ चूज किया जिसमें सेल के अलावा कोई एक्स्ट्रा रजिस्टर मुझे दिखा ही नहीं, तो बहुत आसान है। इसको मैंने बोल दिया, मान लीजिए पहला सेल 1 2 3 4 4, बस ठीक है। अब जरा देखिए, इसके लिए लूप रूल लगा दीजिए। ए पॉइंट से अगर मैं चला तो यहाँ का पोटेंशियल वी है, चला 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 छोटे से बड़े पे, तो यानी कि +4, ठीक। फिर चला 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 -4, फिर बड़े से छोटा -4 -4। अब करंट का डायरेक्शन मैंने इधर रेज्यूम किया है, तो इधर रेज्यूम किया तो इसलिए करंट का डायरेक्शन है -I × R। R कितना है? 4। फिर कहाँ पहुँचेगा? VA पे, तो VA VA कट गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? एक ही A कट गया, यानी कि 4I = -8, यानी I = -2 एम्पियर। -2 एम्पियर मीन्स जो डायरेक्शन मैंने इधर लिया, डायरेक्शन इधर के बजाय अपोजिट होगा, ठीक है। माइनस साइन कुछ नहीं, आपने जिधर डायरेक्शन एज्यूम किया उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बस देखने में डरावने हैं। मतलब कुछ क्वेश्चन कभी भी इस टाइप का भरा भरा दिख जाए, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको एक ऐसा पार्ट चूज करना है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ रेजिस्टर हो, बस आपका क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला? फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर। एमीटर क्या होता है? एमीटर एक डिवाइस होती है जो कि करंट को मेजरिंग मेजर करती है, तो इट इज अ करंट मेजरिंग डिवाइस, ठीक। करंट मेजरिंग डिवाइस जनरली, इन जनरल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है आर ए, वो हम आइडियल कंडीशन में जीरो मानते हैं, और प्रैक्टिकली ये 0.1, 0.2, 0.3 ओम होता है, ठीक है। तो हम क्योंकि कोई चीज़ रियल आइडियली बना नहीं सकते, इसलिए इन जनरल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है पॉइंट्स में होते हैं, ठीक। और आइडियल केस में अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो हम एमीटर के रेजिस्टेंस को जीरो ही मानते हैं, मतलब ये एमीटर लगा है तो इसको एक मैं प्लेन वायर एज्यूम कर सकता हूँ, ठीक। ओके अच्छा, तो कुछ पैरेलल का आपको वो फॉर्मूला तो पता है ना, अगर ये पांचों रेजिस्टर आपस में किस में पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ इन पांचों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो कुछ नहीं, 1/R = 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5, यानी कि सॉल्व करेंगे तो ऐसे आर आएगा 1 ओम, यानी इन पांचों का पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 1 ओम, ठीक। यानी कि इस पूरे सर्किट को मैं एक सिंगल सर्किट में कन्वर्ट कर सकता हूँ जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा 1 ओम, और करंट आई है, तो आई कितना हो जाएगा? V/R, तो V is 10, R is 1, यानी कि 10 एम्पियर। अब जरा ध्यान से देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन का दूसरा प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम, पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम, तो इन सब के अक्रॉस क्या पोटेंशियल सेम है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे, ठीक है। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा उतना कम करंट, और रेजिस्टेंस जितना कम उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, सॉरी उतना ज्यादा ही करंट, ठीक। अब लेकिन इस पर्टिकुलर केस में, स्पेशल केस में, ये पांचों के पांचों रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस क्या है? सेम है। कितना? 5 5 5 5, यानी कि सब में जो भी करंट बटेगा वो बराबर बटेगा, कोई बेमानी नहीं कर सकता। तो इसलिए 10 एम्पियर क्या करेगा? 2 2 2 2 2, मतलब सब में 2 2 एम्पियर क्या हो जाएगा? बराबर बढ़ जाएगा। इसमें 2 एम्पियर जाएगा, इसमें 2 एम्पियर जाएगा, इसमें 2 एम्पियर जाएगा, इसमें भी 2 एम्पियर, इसमें भी 2 एम्पियर, मतलब ये बराबरी का मुकाबला था, इसलिए आपको क्या करेगा? करंट बराबर बांट देगा। अब सिंपल, इस एम्पियर से जो भी करंट पास करेगा वही मेजर करेगा ना, एमीटर से जो भी करंट पास करता है उसी को मेजर करता है, ठीक। तो इससे कितने करंट पास करेंगे? ये 2 2 2, मतलब 2 2 2, ये दो मिलके 2 इधर 2 4 4 और 2 6, यानी कि आई डैश के लिए कितना हो जाएगा? 6 एम्पियर, यानी रीडिंग ऑफ एमीटर कितना हो जाएगा? 6 एम्पियर। ओके एक्चुअल में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन मुझे पढ़ाना था, लेकिन कोई बात नहीं, सामने आ गया क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वीडियो तो मुझे 15 मिनट का बना था, 50 मिनट हो गया, कोई बात नहीं, देखते रहिए, बस 10 मिनट और है। क्या बोला? फाइंड द करंट सप्लाई बाय ईच बैटरी। फाइंड द करंट सप्लाई बाय ईच बैटरी, मतलब ये I1 I2 आपको निकालना है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसान, सिंपल लूप रूल लगाना ही है इसमें। मैंने किरचॉफ्स लॉ पढ़ा था, उसे किरचॉफ्स लॉ ही लगाना है। अब किरचॉफ्स लॉ के लिए क्या होगा जरा देखिए,
आप एक इस लूप में भी घूम सकते हैं, इस छोटे वाले लूप में घूम सकते हैं, इस बड़े वाले लूप में भी घूम सकते हैं। ठीक, अब हमेशा उस लूप को चूज करें जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस रजिस्टर हो। तो इस छोटे लूप में दो रजिस्टर, इस छोटे लूप में भी दो रजिस्टर, और इस बड़े लूप में भी दो रजिस्टर। यानी आप इन तीनों लूप में कोई भी लूप चूज करें, सब में कोई मतलब होता ना फर्क नहीं है। ठीक, तो मैंने क्या किया, दोनों छोटे छोटे को चूज कर लिया। दोनों छोटे छोटे को चूज किया मतलब एक बार इसमें ऐसे रोट घूमूंगा, एक बार इसमें ऐसे घूमूंगा। ठीक, अब देखिए इधर अगर I1 है और इधर अगर I2 है, तो पक्का इसमें जो करंट जाएगा वो I1 + I2 जाएगा। ठीक है, अब ज़रा देखिए, अगर मैं ऐसे रोटेट करूंगा तो यहाँ पे मान लीजिए ए पॉइंट से मैंने रोटेट करके ऐसे वापस ए पे आ गया। तो इस लूप के लिए VA करंट के डायरेक्शन मूव करे तो -2 × I1 + I2 V = IR। करंट के डायरेक्शन मूव कर रहा हूँ इसलिए माइनस लिखा मैंने, फिर चलते 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 इधर जा रहा हूँ, और करंट का डायरेक्शन भी किधर है, सिंपल। अगर ये I2 इधर है तो इधर से भी I2 चाहिए, यानी करंट इधर से भी ऐसे ही, यानी कितना जाएगा -I2 × 2। फिर चले तो +20, कहाँ पहुँच गए, VA पे। तो VA भी कट गया, यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या मिला, 2 2 2 सब कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा -I1 + I2 सॉरी -I1 - I2 फिर -I2 + 10 = 0, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 2I2 + I1 = 10। ठीक है, एक इक्वेशन ये मिल गया, 2 2 2 -2। हाँ ठीक है, ठीक, ओके। सेकंड, मैंने ऐसे अगर इसमें ऐसे घूमूँ तो क्या हो जाएगा, ए से ही चले तो VA -2 I1 + I2, फिर चले 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 +10, करंट के डायरेक्शन तो -2 I1, कहाँ पहुँच गए, VA पे। तो कट गया ये, तो यहाँ से क्या मिला, 2 2 2 कट जाएगा, तो ऐसे 2I1 + I2 = 5, ये सेकंड इक्वेशन। अब देखिए आपके पास अनोन कितने, I1 I2 दो अनोन, इक्वेशन कितने दो, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने पे आपका I1 आया 0 एंड I2 आया 5 एम्पियर। ठीक है, मे भी सही हो, ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, मे भी क्वेश्चन गड़बड़ हो, लेकिन जहाँ तक मुझे सही है। ठीक है, तो I1 कितना आ गया, 0, I2 कितना आ गया, 5 एम्पियर। ओके, चलिए बहुत आसान था ये। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। वीडियो आज थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे कंप्लीट टॉपिक करना था। चलिए, ओके, थैंक यू।